नमस्कार दोस्तों, मैं सुमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा छत्तीसगढ़ में। भूपेश है तो भरोसा है, कहीं ना कहीं ये स्लोगन सच साबित हुए नजर आ रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो आइए आज समझते हैं कि ये मोबाइल मेडिकल यूनिट जो मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो है क्या। यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज होता है? बेसिक सारी बीमारियों का हो जाता है इलाज, जैसे कफ कोल्ड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज, और वैक्सीन भी लग जाती हैं अपनी, रेबीज की, टिटनेस की। और डॉक्टर्स कितने रहते हैं इसमें? एक डॉक्टर रहता है, बाकी स्टाफ है, एक नर्स, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट और ड्राइवर। ब्लड टेस्ट भी होता है क्या यहाँ पे? हाँ होता है। दिन भर में कितने विजिट हो जाते हैं? 60 से अबव हो जाते हैं। तो क्या ये एक ही वार्ड में यहाँ पे खड़े रहते हैं कि कहीं और घूम के भी लगाते हैं आप लोग? ये टाइम टेबल अलॉटेड है, कभी कभी दो जगह पे होते हैं, कभी एक ही जगह पे रहते हैं। तो सुबह कितने बजे से कितने बजे तक रहता है ये? 8 बजे से 3 बजे तक, सुबह 8 बजे। अभी मोबाइल मेडिकल यूनिट के अंदर बहुत सारे मशीन्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन सा मशीन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो बताइए कि ये सारे मशीन हैं वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जी मैम, ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है। इसके अंदर किसी भी पेशेंट के हार्ट, लीवर, किडनी, शुगर लेवल जानने के लिए इसमें किया जाता है। ये है सीबीसी सेल काउंटर, जिसमें किसी भी पेशेंट का प्रॉपर ब्लड बन रहा है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, सिकलिंग पेशेंट तो नहीं है, इसकी जानकारी के लिए सीबीसी सेल काउंटर ये सीबीसी टेस्ट होता है इसमें। ये इसे सीरम सेपरेट करने के लिए यूज़ किया, इसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये होता है रोलर मशीन, जिसमें किसी भी सैंपल को प्रॉपर मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है किसी भी टेस्ट लगाने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम किसी भी सैंपल को प्रॉपर इंक्यूबेट करने के लिए किसी भी टेम्परेचर में 37 टेम्परेचर का टेम्परेचर सेट करके टेम्परेचर लेते हैं। तो एक दिन में कितने लैब टेस्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे टेस्ट के लिए आते हैं? ब्लड टेस्ट आप लोग ले लेते होंगे? 30+ या 200, हाइएस्ट क्या 201। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए आते हैं, मतलब यहाँ पे टेस्ट कराने, ब्लड टेस्ट? अधिकतर सीबीसी हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन की जानकारी के लिए, शुगर के लिए। और ये आपने बोला ये किस चीज़ का होता है? सीरम सेपरेट करने के लिए, किसी की टेस्ट लगाने के लिए, जो भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगा उसके लिए हमें सीरम की ज़रूरत पड़ती है, तो सीरम सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जो भी ब्लड टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट कितने दिन में मिल जाती है? जो इन सोर्स टेस्ट है, जैसे कि LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल हो गया, शुगर, CBC, वायरल मार्कर, सिकलिंग, ब्लड ग्रुप और ट्रॉफाई, डेंगू, मलेरिया, इसका रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर हो जाता है। जिसकी कुछ सेट्स और सोर्सेस होते हैं, थायराइड, विटामिन डी भी जस्ट सेकेंड डी मिल जाता है। तो यहाँ आने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि जब भी आएंगे तो आप फ्री चेकअप है? जैसे कि डॉक्टर मैम है, कोई भी पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। जब कोई ज़रूरत है, कोई पेशेंट ऐसे जिसको पहले से पता रहता है कोई प्रॉब्लम है, तो खुद एडवाइस की उसको पता रहता है तो बता देते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से उनका टेस्ट होता है, फ्री चेकअप होता है उनके यहाँ पे। यहाँ पे मेडिसिन भी मिलता है, तो इनसे जानते हैं कि मेडिसिन किस तरह की होती है, जेनेरिक होती है या किस टाइप की होती है? मैम, ज़्यादातर तो BP शुगर वाले आते हैं, और बेसिक जो बीमारी होती है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब की दवाई मिलती है यहाँ पे। तो आप लोग यहीं से देते हैं? हाँ, यहीं से देते हैं मैम। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है? हाँ मैम, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जितने भी मेडिसिन दिया जाता है यहाँ पे। जी, यानी मैं ये बस पूछना चाहती हूँ, लोगों को क्लियर ना करना चाहती हूँ कि सारे मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है कि कुछ स्पेशल? नहीं नहीं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है यहाँ पे, इलाज भी और जितने भी टेस्ट होते हैं, मेडिसिन है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है मैम। कुछ नहीं हो पाया तो रिफ़र भी किया जाता है यहाँ से? हाँ मैम, रिफ़र भी करती हैं, जैसे सीरियस पेशेंट हो गए उनको तो यहाँ पे नहीं हो पाता इलाज, तो उसके लिए रिफ़र करते हैं मैम यहाँ पे। चल जैसे मेकाहारा हो गया, एम्स हो गया, वहाँ पे रिफ़र किया जाता है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, और यहाँ ब्लड टेस्ट भी होता है, कुछ डॉक्टर्स रिफ़र करते हैं उनका होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री ब्लड टेस्ट होता है, फ्री चेकअप भी होता है। यहाँ आने पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। सुबह 8 से दोपहर को 3 बजे तक ये मोबाइल यूनिट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट यहाँ पे देना है, कहीं पे आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर वार्ड में ये मोबाइल मेडिकल यूनिट रहता है, जो कि लोगों को मतलब आप यहाँ पे आके बहुत जल्द से जल्द चेकअप करा सकते हैं।
मोबाइल मेडिकल योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसका लाभ बहुत से लोग ले रहे हैं। ऐसे ही मैंने पहले वीडियोस में धनवंतरी जो योजना है उसकी भी बारे में बताया था, जहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ मिलती है बहुत ही कम कॉस्ट में। ऐसे ही आप यहाँ भी आके इसका इस मेडिकल यूनिट का लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोग जानते नहीं है मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या होता है, तो मैंने दिखा दिया ये सारे लाभ आपको मिलते हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।